हेलो व्यूअर्स, आज चौथा मैच इंडिया 10 विकेट से जीत गई जिम्बाब्वे से। और नॉर्मल कंडीशंस में तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि 10 विकेट से विक्ट्री तो बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हालांकि हम ये कह रहे थे कि ये सीरीज इंडिया को 5-0 से जीतनी चाहिए और इतने ही असर्टिव तरीके से जीतना चाहिए थे सारे मैचेस, लेकिन आपको तो पता है पहला मैच तो हम हार ही गए। उसके बाद दूसरा मैच हमने जरूर 100 रन से जीता, तीसरा मैच फिर फंसा के हमने 23 रन से जीता, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम बिल्कुल हार सकते थे वो मैच अगर जिम्बाब्वे ने फील्डिंग अच्छी कर ली होती तो। और आज का मैच जरूर हम 10 विकेट से जीते, लेकिन आज के मैच के बाद मुझे तो ज्यादा कुछ खुशी हुई नहीं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को वो चीज समझ में आई कि नहीं जो मैं अब डिस्कस करने चाहता हूं इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, आज का मैच जिस तरह से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने खेला है, खासतौर पे शुभमन गिल ने, अब ये बात शुभमन गिल के फैंस को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैच जब 10 विकेट से टीम जीत जाती है तो मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि टीम की गलतियां छुप जाती हैं, और टीम की गलतियां छुपने के साथ ही बहुत बड़ी जो ब्लंडर्स जो बड़े मैचेस में फिर हमको परेशान करती हैं वो भी हमसे ओवरलुक हो जाती हैं। तो अब आज का मैच या हम चारों मैचेस ही अगर देखें तो सीरीज चल ठीक है, कल का मैच भी जीत जाएंगे हम, हो सकता है 50 रन से जीत जाएं, 100 रन से या 8 विकेट से या 10 विकेट से, जैसे भी कल का मैच भी अगर मान लीजिए आज के मैच की तरह रिपीट हो जाता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज से हमारे हाथ क्या लगा। सबसे पहले तो देखिए, प्रीव्यू जो हमने किया था सीरीज का, सीरीज के पहले, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि ये सीरीज जो है ये बिल्कुल ट्रायल के लिए है। यहां पे हमको अभी आने वाले जो मैचेस होने वाले हैं उसके लिए हमको प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो अब क्या आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आपको प्लेयर्स मिल गए? आज चौथे मैच के खत्म होने के बाद आज हम जिस सिचुएशन में खड़े हैं, तो आपको क्या लगेगा कि हमको कौन से प्लेयर्स मिल गए हैं जिनको हम अब इंडियन टीम में इंडक्ट कर सकते हैं, जो कि वो 3 प्लेयर्स हमारे T20 से चले गए हैं, जैसे रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया। तो आज की तारीख में हम क्या कहें कि हमें कौन से 3 प्लेयर मिले? एक, किसने परफॉर्म किया, यशस्वी जायसवाल, फिर उसके बाद दूसरा किया अभिषेक शर्मा ने, तो अभिषेक शर्मा तो कह सकते हैं कि मिला। हालांकि वो हमको पता है कि वो तीसरे मैच में अगर वो 27 रन के ऊपर उसका कैच पकड़ा गया होता तो आज क्या हालत होती, आज हमारे हाथ में कितने बैट्समैन लगे थे, एक सिर्फ यशस्वी जायसवाल और दूसरा कहने को शुभमन गिल। अब शुभमन गिल की पारी के ऊपर हम बात करें, आज शुभमन गिल की पारी देख के आप लोग बड़े खुश हुए या नहीं हुए मुझे पता नहीं, आप लोग लिख के बताइए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमको तो सच बात करनी है ना, इसको तो हमें एनालाइज करना ही पड़ेगा ना कि शुभमन गिल ने किस तरह से बैटिंग की। शुरुआत से अगर हम बात करें, देखिए मैच में तो कुछ था नहीं करने के लिए, मैच की एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन यहां पे हमारी अप्रोच और कोच की अप्रोच प्लस कप्तान की, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, जिम्बाब्वे ने पहले तो देखिए, शुरुआत से अगर हम बात करें तो टॉस के मामले में तो शुभमन गिल की बिल्कुल लॉटरी लगी हुई है, चौथा टॉस भी जीत लिया उसने, और उसने कहा कि टॉस जीत के कि हम पहले बैटिंग जिम्बाब्वे को देना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पे एक थोड़ी सी एक बड़ी जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेटिक टाइप की चीज है कि वहां शुभमन गिल ने ये कहा कि मैंने कल पिच क्यूरेटर से बात की थी और उन्होंने वाटरिंग वगैरह की है विकेट के ऊपर, तो हम इस वजह से हम पहले बॉलिंग करना चाहते हैं। आप बताइए ये क्यों बोलने की जरूरत है? देखिए, ये खेल हो या कुछ भी हो, आपको क्यों अपने पत्ते खोलने हैं, आपको ये क्यों बताना है कि मैंने बात की क्यूरेटर से और उसने चूंकि वाटरिंग की थी इसलिए आज विकेट में मॉइस्चर हो सकता है, इस वजह से मैं पहले बैटिंग नहीं करना चाहता और मैं इसलिए उसका फायदा उठाना चाहता हूं, आपको ये बताने की क्या जरूरत है? आप सिंपली बोल दो कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे आज बैटिंग नहीं करनी है, बस खत्म बात। अरे क्यों एक्सप्लेनेशन देना है यार, आप एक्सप्लेनेशन मोड में जाते क्यों? आप क्यों अपनी स्ट्रेटेजी बताते हो सामने वाली टीम को? जबरदस्ती एजुकेट करने का कोई फायदा नहीं है, पहली बात तो ये गलती है,
ये आप अपने पत्ते कभी नहीं खोलते हैं, कभी भी जंग के मैदान में या स्पोर्ट्स में आप कभी सामने वाले को ये नहीं बताते कि आपकी थिंकिंग क्या है। तो ये चीज तो एक एक ये हो गई। उसके बाद जिम्बाब्वे ने जब बैटिंग शुरू की तो जिम्बाब्वे ने तो बैटिंग की ही नहीं। अब 20 ओवर में शुरुआत हालांकि उन्होंने अच्छी की थी, 6 ओवर में 44 for no loss था उनका, लेकिन वो उसके बाद उसको कर ही नहीं पाए कुछ, क्योंकि बॉल देखिए आज भी कोई विकेट पे बहुत ज्यादा अच्छे से आ नहीं रही थी बल्ले के ऊपर। ये पूरी सीरीज में ऐसे ही हुआ है। तो ये 6 ओवर में 44, उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग कुछ रन बनाएंगे, कुछ पीटा पार्टी शुरू करेंगे, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं पाए। 9 ओवर में 64 पे इनका पहला विकेट गिर गया, 10 ओवर में इनके 67 रन थे। फिर यहां पे दुबे भाई साहब को भी विकेट मिल गया, 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। शुभ अभिषेक वो उसके उसके बाद अभिषेक को भी विकेट मिल गया। अब बताइए दुबे को जो विकेट मिला, अभिषेक को जो विकेट मिला, तो क्या इससे हमको खुश होना चाहिए? मतलब क्या अब हम हमारे नजरों में क्या ये बहुत अच्छे बॉलर्स हो गए या ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हो गए? आपको दुबे को देख के ये नहीं लगता है ग्राउंड के ऊपर? मुझे पता नहीं एक्चुअली कि आप लोगों को क्रिकेट खेलने का कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए ये क्रिकेट खेलने से आती है ये चीज, ये एक्सपीरियंस आता है। या तो आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट देखा हो, और थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करने का आपका अगर अगर इंक्लिनेशन हो, तो दुबे को कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि वो एक परफेक्टली फिट क्रिकेटर है। आपको लगता है क्या दुबे को देख के कि बड़ा ऐसा एनर्जेटिक? और ये मुझे तो उससे ज्यादा लेथार्जिक कोई प्लेयर ही नहीं लगता है। मुझे तो सीरियसली ये लगता है कि उसको पकड़ के जरा हिला दूं मैं, कह रहे भाई जाग जा यार, तू सो रहा है क्या ग्राउंड के ऊपर? जैसा उसने कैच भी टपकाया आज, कैच टपकाया ना उसने, चौथे ओवर में दुबे ने कैच टपकाया, वो कैच तक पहुंच ही नहीं पाया। मुझे सीरियसली लगता है कि उसको 10-15 किलो वजन कम करने की जरूरत है, और कुछ कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है यार, थोड़ा चाय कॉफी कुछ पी के आ यार। या तो मुझे तो लगता है कि सो ही ना गया हो ग्राउंड के ऊपर, और वो ही कैच पकड़ने के चक्कर में गिर भी गया और उसके बाद बाहर भी चला गया। मतलब पता नहीं क्या चोट लग गई, क्या हुआ उसमें, वो सड़े से कैच में जो कि हाथ में कैच था। तो मतलब कैच देखिए आज ऋतुराज गायकवाड़ ने भी छोड़ा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ तो ऋतुराज गायकवाड़ से भी मुझे शिकायत है। वो जिस तरह का कैच था वो छूटना नहीं चाहिए था किसी भी हालत में, लेकिन मुझे वो सोता हुआ तो नहीं लग रहा था ना। ठीक है वो पोजीशन उसकी गलत हो गई, और इस तरह के कैच कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि आप पोजीशन में ठीक से नहीं आ पाए जब आप अपने पीठ की तरफ जाके कैच ले रहे हो। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ को ये 100 में से 100 कैचेस पकड़ने चाहिए, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको माफ कर रहा हूं, लेकिन दुबे का तो मुझे साफ साफ ये लग रहा है कि वो तो कैच तक पहुंच ही नहीं पाया। वो फिटनेस की उसकी बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। उसके बाद आज उसको विकेट मिल गया, वो बल्ले बल्ले भी कर रहा है अपनी। यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट विकेट लिया है, अभिषेक शर्मा ने जो कितनी थर्ड क्लास बॉल डाली थी, वो छक्का पड़ना चाहिए था उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कैच चला गया, कैच पकड़ लिया गया। अब वो कैच जाएगा हाथ में रिंकू सिंह के, तो वो थोड़ी छोड़ने वाला है। तो अब बताइए आप, दुबे को, अभिषेक शर्मा, दोनों को विकेट मिल गए। अब ये पता नहीं कौन कौन तो ये कहने लगेगा अरे देखिए क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस है इनकी, हालांकि उनकी बैटिंग ही नहीं आई आज, वो बात अलग है, लेकिन है तो वो बैट्समैन ना, और उन्होंने हाथ घुमाया, बॉल फेंकी, विकेट भी मिल गया, तो अब ऑलराउंड परफॉर्मेंस तो हो गई ना एज एन ऑलराउंडर। बट ये तो बहुत कोई इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस तो नहीं है दोनों की, ये दोनों ही मुझे बिल्कुल ऐसे लगते ही नहीं है। अब आप ही सोचिए, ये जिम्बाब्वे की जगह कोई दूसरी टीम होगी तो इनको छोड़ेंगे क्या? पिछले मैच में इन लोगों ने 4 ओवर में 50 रन पिटवाए थे, मैंने तब भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, ये किसी ढंग की अगर बैटिंग साइड होगी तो ये तो 4 ओवर में इनके 80 रन पिटेंगे। आप इमेजिन करिए जरा, साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या आपका वेस्ट इंडीज, ये इन लोगों के सामने अगर फंस गए तो क्या होगा इनका? इसलिए इन लोगों से हमें बॉलिंग की ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब इनकी बॉलिंग इंप्रूव होगी, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। ये बॉलिंग इंप्रूव तब होती है जब आप बचपन से ही थोड़ी बहुत तो ढंकी कर रहे हो, लेकिन ये ना तो अभिषेक शर्मा और ना शिवम दुबे। एक तो शिवम दुबे ये 120 की स्पीड पे चलने वाला नहीं है बिल्कुल किसी भी हालत में, ये तो आप भूल ही जाओ। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अच्छे विकेट के ऊपर इसकी बैटिंग आएगी नहीं, और खराब विकेट जब आएगा तो इससे बैटिंग होगी नहीं।
इसलिए ये इसको जितनी जल्दी भूल जाए इंडियन टीम मैनेजमेंट उतना अच्छा है। ये दूसरा विजय शंकर मत बनाओ आप इसको। ये 2019 में जो कबाड़ा करवाया था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने विजय शंकर को ले जाके अंबाती रायडू की जगह, ये वही कहानी फिर से रिपीट होने वाली है। वो तो बच गए हम वर्ल्ड कप में, ऐसी सिचुएशन आई नहीं क्योंकि विकेट्स बहुत ही ज्यादा खराब थे, इसलिए बच गए हम, अदरवाइज हम कहीं के नहीं रहते। तो ये दूसरा विजय शंकर इसको नहीं बनाए। और अभिषेक शर्मा को ये बोला जाए कि भैया तू अभी अपनी रणजी ट्रॉफी में लंबे मैचेस में, चार चार दिन के मैचेस में बॉलिंग की जरा प्रैक्टिस कर, ज्यादा बॉलिंग कर, बॉलिंग इंप्रूव कर अपनी, और बैटिंग तो उसकी जो है तो वही टुल्ले वाली करनी ही है उसको। तो ये 152 रन इन लोगों ने बनाए। खलील वलील को भी विकेट मिल गए। आप खलील का क्या यार, जिम्बाब्वे के सामने यार क्या, वो दूसरा मुस्तफिजुर बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा लास्ट के स्लॉग ओवर्स में वही मुस्तफिजुर की तरह वो स्पिन बॉल डालने के चक्कर में रहता है। ठीक है, कुछ तो कर रहा है अब, हालांकि ये अच्छी टीमों के अगेंस्ट क्या होगा इसके बारे में मुझे जरा डाउट ही है। फिर उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, इंडिया की बैटिंग क्या आपको तो पता ही है, 10 विकेट से धोके रख दिया इन लोगों ने, 156 रन बना दिए 15 ओवर में। लेकिन नाउ कमिंग बैक टू देयर बैटिंग अप्रोच, आप ये बताइए ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था क्या, या कोई नॉकआउट मैच था जिसमें आपको अपने विकेट बचाने थे? ये सीरीज किस लिए हुई? ये सीरीज तो ट्रायल थी ना, मेन टीम के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करने की, शॉर्टलिस्ट करने की। तो अब इसमें हमारे आज हाथ क्या लगा, कौन कोई मिला हमको? यशस्वी जायसवाल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, अभिषेक शर्मा को कहने को सेंचुरी मार दी उसने, हालांकि मैंने पहले भी कहा कि वो 27 रन पे आउट था, अगर वो आउट हो गया होता, कैच पकड़ लिया होता तो वो भी हमारे हाथ नहीं लगती परफॉर्मेंस। और फिर बची खुची हमारे हाथ लगी शुभमन गिल की 250s। तो वो शुभमन गिल की पिछले मैच में जो 50 थी उसको हमने भरपूर एनालाइज करके आपको बताया था। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे मैच्योर व्यूअर्स हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि शुभमन गिल वॉज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ इन दैट मैच। और आज के मैच में बताइए, क्या आज के मैच में शुभमन गिल अपने लिए नहीं खेल रहा था? अब बताइए आप, इसको क्रिटिसाइज नहीं करें तो क्या करें? आज शुभमन गिल ने जिस तरह से बैटिंग की है, मतलब आप ये देखिए, इन लोगों ने मारना पीटना शुरू किया। इन लोगों ने क्या, पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 15 रन मारे, 3 चौके, दूसरे ओवर में फिर शुभमन गिल ने पिछले मैच की तरह ही आज फिर 12 रन बनाए। पिछले मैच में 14 बनाए थे, आज के मैच में दूसरे ओवर में फिर उसने 12 रन बनाए, और उसके बाद 6 ओवर में 61 फॉर नो लॉस स्कोर था। नो लॉस ही रहा इनका तो, क्योंकि विकेट तो गिरे ही नहीं। 6 ओवर में 61 रन बने। उसके बाद आप ये देखिए, 8 ओवर में 73 फॉर नो लॉस इनका स्कोर था। उस टाइम जायसवाल का स्कोर था इंडिविजुअल स्कोर 64, और गिल का स्कोर था 16 बॉल्स में 15 रन, 16 बॉल में 15 रन। आप ये बताइए कि क्या हम इस बात की ट्रायल करने के लिए गए हैं जिम्बाब्वे? क्या मतलब पावर प्ले में इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए, जबकि तुमने दूसरे ओवर में ही 12 रन ठोक दिए थे, उसके बाद तुम 16 बॉल में 15 रन बनाए। मैं ये देखिए, गिल ये कह सकता है कि नहीं मेरे पास तो स्ट्राइक ही नहीं आई। अरे स्ट्राइक कैसे नहीं आई भैया, 16 बॉल तक तो आई ना स्ट्राइक, 16 बॉल तो खेली ना, तो 16 बॉल में 15 रन कैसे? अगर इसी की जगह अगर अभिषेक शर्मा होता तो क्या स्कोर होता? अब बात यह है, मैं वही कहता हूं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट हम 10 विकेट से जीत गए तो ये सारी गलतियां अब छुप जाएंगी। और कम से कम कॉमन लोग जो देखते हैं, जो सिर्फ यहां तारीफें सुनने आते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो तो उनको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। बाकी जो समझदार व्यूअर्स हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं, वो उन लोगों को समझ में आती है चीज, लेकिन हम लोग आपस में ही सिर धुनते रहते हैं कि ये। अब एक बात बताइए, 8 ओवर में 73 जिसमें एक बैट्समैन के 64 रन्स हैं और दूसरे के 16 बॉल में 15 रन है, लेकिन ये बात दब छुप जाएगी क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने 50 बना दी। अब आप ये देखिए, यहां पे भी सेल्फिशनेस की बिल्कुल आप लिमिट देखिए। 12वें ओवर में 118 रन स्कोर था इंडिया का, उस टाइम यशस्वी जायसवाल के 75 थे और इस टाइम तक गिल के 39 हो गए, क्योंकि गिल को समझ में आ गया कि भैया मैं इतना ही स्लो खेलूंगा तो मेरी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी,
जनता थू थू करने लगेगी, तो इस वजह से कुछ रन तो बना ले, जिससे क्या है कि 90% जनता जिसको कुछ समझ में आता नहीं है उसकी थू थू से तो मैं बच जाऊंगा, बाकी जो 10% समझदार लोग हैं उनकी सुनता ही कौन है, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पे तो अभी पता नहीं मुझे लोग बाग क्या क्या कह रहे होंगे कि अरे डब बैक टू बैक 50s और ये और वो और गेल हैज कम बैक और गेल इज दैट एंड गेल इज दिस, लेकिन सच्चाई तो हम लोगों को पता होनी चाहिए ना। 118 रन पे कोई विकेट नहीं था, 12वें ओवर में यशस्वी जायसवाल के 75 रन थे, उस टाइम इंडिया को देखिए 34 रन चाहिए थे, यशस्वी जायसवाल 75 पे खेल रहा था, यशस्वी जायसवाल ने उसके बाद पूरी कोशिश की कि वो अपनी सेंचुरी बना ले, गिल को क्या उसको हेल्प नहीं करना चाहिए था जब गिल 39 पे खेल रहा था, गिल को हेल्प करना चाहिए था ना उसको सेंचुरी बनाने के लिए, लेकिन यहां तो ये छोड़ दीजिए आप, गिल को तो इसलिए मुसीबत हो रही थी क्योंकि गिल की खुद की स्ट्राइक रेट बहुत कम थी, ये बाद में उसको समझ में आ गया, और उसके बाद उसने क्या किया देखिए, 14th ओवर में 135 फॉर नो लॉस स्कोर जब इंडिया का था तो 15वें ओवर में गिल ने क्या किया, 2 रन बना के अपनी 50 बनाई और उसके बाद छक्का भी मार दिया उसने। भैया थोड़ा सा जब कप्तान हो, मैं पहले भी एक बात ये कह चुका हूं कि जब आप कप्तान हो तो लीडर की तरह बिहेव करो ना, जब आपको दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी हो सकती है, वो 84, 85, 86 पे खेल रहा है, तुम्हारी 50 हो गई तो तुम सिंगल लेके दे देते ना उसको, तुमको छक्का मारने की क्या जरूरत थी, लेकिन वहां पे छक्का इसने इसलिए मारा क्योंकि इसको अपनी स्ट्राइक रेट इंप्रूव करनी थी, वही टिपिकल बाबर आजम की हरकत है, ये टिपिकल बाबर आजम की हरकत है। अब क्या है, ये 90% लोगों को तो समझ में आती नहीं है बात, लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेला है, जो लोग मतलब काफी एनालिटिकली देखते हैं ना, उनको ये बात समझ में आती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही होगी, और अगर अभी तक नहीं आई, आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, तो कम से कम अब तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ना कि गिल को वहां पे छक्का मारने की क्या जरूरत थी। गिल ने 52 की 50 की जगह अगर 56 या 58 रन बना दिए तो उससे क्या हो गया, लेकिन आपने देखा 93 पर नॉट आउट रहा कौन, यशस्वी जायसवाल। T20 में सेंचुरी बहुत बड़ी चीज होती है, ये बिल्कुल वही हरकत है जो हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज में तिलक वर्मा के साथ की थी, जब तिलक वर्मा 48 या 49 पे खेल रहा था, हार्दिक पांड्या ने भी ऐसे ही छक्का मारा था जिसमें हार्दिक पांड्या के हाथ तो कुछ लगा नहीं लेकिन तिलक वर्मा की 50 नहीं हुई। इसी तरह से 50 रन से 58 रन जाने में गिल के हाथ तो कुछ नहीं लगा लेकिन यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी नहीं हुई। अब ये देखिए, पहली बात तो ये कि गिल को इतना स्लो खेलने की जरूरत क्या थी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गिल के बल्ले में बॉल आ नहीं रही है, गिल इज सीरियसली आउट ऑफ टच, लेकिन चूंकि वो कप्तान है इसलिए वो ओपन कर रहा है, जबकि गिल को ये इनसिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए, गिल किसी भी हालत में इंडियन टेस्ट टीम में या इंडियन वनडे टीम में ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, अभिषेक शर्मा से उसको क्यों डर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि गिल को यह लालच आ रहा है कि मैं T20 में भी घुस जाऊं। गिल का गेम T20 का नहीं है, एटलीस्ट ओपन करने का तो बिल्कुल नहीं है, अगर उसे आना ही है तो वो एट बेस्ट वन डाउन आ सकता है, लेकिन वहां तो कंपटीशन अभी ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी है, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ है, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, अब T20 में तो अब विराट कोहली के जाने के बाद, रोहित शर्मा के जाने के बाद, अब तो फिर सूर्य का नंबर ऊपर आएगा ना, और अगर ये इंडियन टीम जैसे पंत को ऊपर खिलाने लगी है तो फिर हो सकता है कि और भी नीचे आ जाए इन लोगों का नंबर, तो मुझे लगता है कि गिल को वो बहुत सीरियस इनसिक्योरिटी हो रही है, इसलिए आज भी उसने इंश्योर किया कि मैं तो इधर तो यशस्वी जायसवाल को बना दे दो, मारने पीटने दो तो आस्किंग रेट का तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, मैं धीरे से बाबर आजम की स्टाइल में अपनी 50 बना लेता हूं। अब बताइए, आप कोई डिनाई कर सकता है इस अप्रोच को, ये बाबर आजम की अप्रोच थी कि नहीं, कि यशस्वी जायसवाल रन बना रहा है तो हमारी टीम को टेंशन तो कुछ है नहीं, रन तो बन रहे हैं टीम के, तो मैं क्यों रिस्क लूं, मैं धीरे से अपनी 50 बनाता हूं, व्हाट गोज इन द रिकॉर्ड्स इज अ 50, वो कौन देखता है बाद में, किसी को क्या याद रहेगा आज से 2 साल बाद कि सिचुएशन क्या थी और मैं कैसे बना सकता था, मैंने तो नॉट आउट 50 बनाई है, मेरा एवरेज भी बढ़ा, बाद में धीरे से मैंने छक्का मार के यशस्वी जायसवाल को सेंचुरी डिनाई करवा दी और मैंने अपनी स्ट्राइक रेट भी बढ़ा ली। देखिए, मैंने पिछले बार भी ये कहा था,
ये बेईमानी जो है ना, ये बेईमानी जो लोग मैटर करते हैं ना, वो लोग देखते हैं और वो लोग समझते हैं। तो क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही होगी? यहां मुझे बहुत सीरियस शिकायत है वीवीएस लक्ष्मण से। वीवीएस लक्ष्मण ने ये कैसे होने दिया? फिर वीवीएस लक्ष्मण का काम क्या है? वीवीएस लक्ष्मण क्या ये सीरीज जीतने के लिए कोच बन के गया है वहां? मुझे कोई ये बात बता दे, वीवीएस लक्ष्मण का कोई लॉन्ग टर्म कोचिंग फ्यूचर है क्या इंडियन टीम के साथ? उसको बीसीसीआई ने इस टूर पे किस लिए भेजा? उसे तो प्लेयर सिलेक्ट करने हैं ना मेन टीम के लिए, तो उसने ये कैसे होने दिया? ये चार मैचेस के बाद हमारे हाथ में लगा क्या है? मैं तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वीवीएस लक्ष्मण से ये सीरियस क्वेश्चन होने चाहिए बीसीसीआई की तरफ से कि तुम वहां क्या घास छील रहे थे उधर बैठ के बाहर? तुमने शुभमन गिल को ऐसे कैसे खेलने दिया? शुभमन गिल को बोला जाना चाहिए था बाहर से मैसेज देके कि फास्ट खेलो, ये क्या हो रहा है, और हमें बाकी लोगों की भी ट्रायल लेनी है। मैच हारने का तो कोई डर था नहीं ना, और मैं तो कहता हूं कि मैच हार गए तो हार गए ना यार। बाकी तुमने बल्लेबाजों का अचार डाला क्या? तुमने आज के मैच में क्या ट्रायल हुई? ना अभिषेक शर्मा की बैटिंग आई, ना रिंकू सिंह की बैटिंग आई, शिवम दुबे, संजू सैमसन, इनको तो भूल ही जाओ। रियान पराग तो बेचारा बाहर ही चला गया, और ऊपर से मिट्टी पलीत करके रख दी तुमने वो साई सुदर्शन की, जो पहला मैच हारने के बाद तुमने डर के मारे उसको अगले मैच में खिलाया, उसमें उसकी बैटिंग नहीं आई, और उसके बाद तीसरे मैच में बाहर ही कर दिया। क्या मतलब है यार, ये क्या मतलब है? मुझे लगता है इस तरह के मैच, इस तरह की सीरीज में ना, ये कि कप्तान अप्तान डिक्लेयर ही नहीं करना चाहिए। इस सीरीज में कप्तान डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था, हर मैच में अलग कप्तान डिक्लेयर कर दो। ये शुभमन गिल ने खीर इसीलिए खाई है क्योंकि वो कप्तान है, तो कप्तान को तो निकाला नहीं जा सकता। एक्चुअली शुभमन गिल को निकाला जाना चाहिए था। हाँ, दो मैचेस में रन नहीं बनाए थे, ठीक है आप करवाते प्रैक्टिस, तीसरे मैच में जब रन बना दिए चौथे मैच में बाहर करो, दूसरे आदमी को आने दो यार। कप्तानी का ट्रायल थोड़ी हो रहा है इधर, इस सीरीज में कप्तानी का ट्रायल थोड़ी है कि शुभमन गिल कितना अच्छा कप्तान है, आगे जाके इंडिया की कप्तानी कर सकता है या नहीं, आप लोग बताइए ना। क्या फायदा है हमें शुभमन गिल की ये 50 से? हमारे बाकी बैट्समैन तो बेचारे वैसे ही रह गए ना, कुछ भी नहीं हुआ, ना शिवम दुबे की बैटिंग आई, ना संजू सैमसन की आई, ना रिंकू सिंह की ढंग से आई, कुछ नहीं हुआ। वो एक मैच में जरूर उसको जल्दी भेज दिया था, इसलिए उसने बैटिंग कर ली रिंकू सिंह ने। क्या यार, ये तो मुझे आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन दिस अप्रोच ऑफ इंडियन टीम एंड आई एम नॉट हैप्पी। आप लोग बताइए, अब ये तो एनालिसिस तो हो गई, मेरी तरफ से तो खत्म हो गई। मतलब इसमें संजू शुभमन गिल अगेन हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी सेल्फिश बैट्समैन एंड अ कैप्टन। एक बार आप लोगों को याद होगा, इसने शायद वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के साथ भी यही हरकत की थी ना इसने, जब ये रोहित शर्मा के सामने ये अपना विकेट सेक्रीफाइस कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, और बाद में खुद भी नालायक आउट हो गया। ये वर्ल्ड कप की बात है शायद, आप लोग बताइए, आप लोगों में से अगर किसी को याद हो तो, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन ये डिस्टिंक्टली मुझे याद है कि ये शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ किया था, उसको रनआउट करवाया और खुद वहां खड़ा रहा रोहित, वर्ल्ड कप में या टेस्ट मैच में बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर कि ऐसा हुआ है एक बार रोहित शर्मा के साथ। तो ये बहुत ही खराब सेल्फिश अप्रोच है, और ये देखिए, ये समझदार लोगों को समझ में आती है, बाकी जो पागल लोग हैं जिन जो सिर्फ चौके छक्के देखने आते हैं, और वो जो इंडिया के 110 विकेट से जीतने पे खुश हो गए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिन लोगों को वाकई इंडियन क्रिकेट की चिंता है, जो लोग कनौसर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, जो लोग शुभचिंतक हैं, उन लोगों को ये बात समझना चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि इस तरह के प्लेयर्स, देखिए इंडिविजुअली तो ठीक हो सकते हैं, एक्चुअली वो इंडिविजुअली भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की अगर ये किसी और जगह अगर ये इस तरह से बैटिंग करेंगे तो ये टीम के लिए ठीक नहीं है। ये पर्सनल रिकॉर्ड्स बना सकती हैं, और मैं इसीलिए इसको तो कंपेयर कर रहा हूं बाबर आजम से। ये टिपिकल बाबर आजम टाइप की मेंटेलिटी की अप्रोच है ये, और उसी तरह की बैटिंग की है आज इसने, और आज ही नहीं पिछले मैच में भी, पिछले मैच में भी चार बैट्समैन आपके पीछे रह गए थे जब आपने 134 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हम पिछले मैच में भी ना तो संजू सैमसन की बैटिंग आई, ना रिंकू सिंह की, ना शिवम दुबे की, ना किसी की बैटिंग नहीं आई। इवन वॉशिंगटन सुंदर इज अ बैट्समैन यार। तो फिर आपने 250 बना ली, लेकिन इंडिया के हाथ तो कुछ नहीं लगा, और वीवीएस लक्ष्मण इज आंसरेबल फॉर दिस। तो व्यूअर्स, चलिए लेट मी एंड दिस एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि ये इससे हमको खुश होना चाहिए, ये क्या मतलब शुभमन गिल
से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, या वीवीएस लक्ष्मण से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्या? आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट. थैंक यू सो मच.